मिट्टी की हांडी ले आए, बहुत सस्ती आती है, 20-25 रुपए की आती है, और हांडी में दाल पकाएं, हांडी में ही चावल पकाएं, हांडी में खिचड़ी बनाएं। हमारे देश में गांव में अभी भी ऐसे ही चलता है, हांडी में भोजन बनता है, हांडी में दूध बनाया जाता है, और दूध हांडी के में जब पकता है ना तो एकदम लाल सुर्ख हो जाता है, वो दूध का स्वाद ही अलग होता है हांडी में। हाँ, बताता हूँ अभी गैस पे कैसे चलेगी हांडी। हांडी में दही भी जमाया जाता, बहुत अच्छा स्वाद। आप कभी कलकत्ता जाएं तो वहां मीठा दही जरूर खाएं। कलकत्ता वाले उसको मिष्ठी दही बोलते हैं, वो सब हांडी में ही पकता, हांडी में गरम करेंगे, हांडी में ही जमाएंगे, तभी उसमें टेस्ट आता, नहीं तो टेस्ट ही नहीं आता। बड़े बड़े 5-स्टार होटल में मिष्ठी दही कलकत्ता से आता है। कलकत्ता में तो बहुत सस्ता है, लेकिन 5-स्टार होटल में वही 550-550 रुपए का हो जाता है थोड़ा दही। और अब तो 5-स्टार होटलों में हांडी की दाल भी मिलती है, 250 रुपए की एक कटोरी। आप यहां जाइए ना, हयात, जो यहाँ का दिल्ली का बड़ा, रीजेंसी में चले जाइए, हयात में चले जाइए, इंपीरियल में चले जाइए, अशोका इन में चले जाइए, सब जगह हांडी की दाल है, लेकिन एक कटोरी 240, 250, 260 ये कीमत है। 250 में तो कम से कम 10 हांडी आती है। लोग जाते हैं वहां खाने के लिए हांडी की दाल, लेकिन घर में हांडी लाके क्यों नहीं पकाते? तो आप कहेंगे गैस पे नहीं चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। हांडी को गैस पे चलाने का सबसे सरल उपाय है, गैस को धीमा रखो। कभी भी तेज गैस किया तो हांडी चटक जाए, हल्की आंच रखो तो हांडी कभी नहीं टूटती। और मान लो टूट भी गई तो दूसरी ले लेना, कौन सी ऐसी आफत है? हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ कुम्हार हैं जो ये बनाते हैं, वो भूखमरी के शिकार हैं, क्योंकि आप खरीदते ही नहीं उनकी हांडी। आपने तो कुकर लाला के कुम्हारों को बेकार कर दिया, रेफ्रिजरेटर ले आए तो घड़े बिकने बंद हो गए उनके, जब से कुकर आ गया उनकी हांडियां बिकनी बंद हो गई, प्लास्टिक के गिलास आ गए तो कुल्हड़ बिकने बंद हो गए उनके, हमने मोमबत्ती लगाना शुरू कर दिया तो दिए बनने बिकने, दीपक बिकने बंद हो गए। 1.5 करोड़ कुमार भुखमरी के शिकार है, इसलिए वो सरकार से कहते हैं हमको आरक्षण चाहिए, क्योंकि अब उनका काम धंधा तो टूट रहा है, तो आप उनकी थोड़ी तो चिंता करो, कुछ खरीदो उनका, तो उनकी जिंदगी चले, उनका रोजगार बढ़े। तो सबसे आसान है कि हांडी खरीदना शुरू कर दो, दाल चावल उसमें बनाओ और वही खाओ। इसका सबसे बड़ा फायदा जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आप जानते हैं हांडी मिट्टी की है, और मिट्टी में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, मिट्टी में सबसे ज्यादा फॉस्फोरस है। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केमिकल है, बिना कैल्शियम के शरीर नहीं हो सकता, बिना फॉस्फोरस के शरीर नहीं हो सकता। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस सबसे ज्यादा मिट्टी में है, फिर उसके बाद आयरन चाहिए हमको, आयरन भी सबसे ज्यादा मिट्टी में है, फिर मैग्नीशियम चाहिए वो मिट्टी में है, फिर मैग्नीज चाहिए वो मिट्टी में है, फिर सल्फर चाहिए वो मिट्टी में, 18 केमिकल चाहिए ये शरीर तब बनता, वो सब मिट्टी में है। तो मिट्टी की हांडी की दाल खाओगे तो सारे केमिकल शरीर को मिलेंगे फोकट में, मुफ्त में। और यही केमिकल अगर कम पड़ जाए ना तो डॉक्टर लिख के देता है कैल्शियम सेंटोस की गोली खाओ, तो खाते हो आपके लिए, और वो खाते हो सैकड़ों रुपए खर्च करते हो आप, और फिर भी गारंटी कुछ नहीं है कि उससे कुछ फायदा भी हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि मुफ्त की मिट्टी की हांडी में सब कैल्शियम फॉस्फोरस है, वो ही खरीद लो। डॉक्टर की कैल्शियम की गोलियां खाने से अच्छा कैल्शियम जिसमें है मिट्टी में उसमें दाल बना के खा लो, विज्ञान तो यही कहता है। तो आप अगर करें तो आज से अपने घर में एक बदलाव कर लें, मिट्टी की हांडी खरीद लें। फिर आप कहेंगे खाना बहुत देर में बनेगा, मैंने बना के देखा मिट्टी की हांडी में दाल 28 मिनट में बनती है और प्रेशर कुकर में 10 मिनट में बनती है, 18 मिनट का अंतर है, ज्यादा नहीं। और शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे तो 18 मिनट कौन बड़ी बात है। मैं अभी थोड़े दिन पहले मद्रास गया था, चेन्नई, वहां भारत का एक बहुत बड़ा समूह है, जैसे आपने नाम सुना हीरो होंडा, ऐसे दक्षिण भारत का ग्रुप है टीवीएस सुंदरम, टीवीएस मोटरसाइकिल, उनके मालिक के घर गया था खाना खाने।
तो उनकी धर्म पत्नी ने मिट्टी की हांडी में दाल पकाई, मिट्टी की हांडी में चावल वगैरह वगैरह, और वो खिलाया। तो मैंने आश्चर्य से पूछा, आप करोड़पति आदमी हैं और मिट्टी की हांडी में दाल चावल खाते हैं? तो उनकी पत्नी ने पता क्या उत्तर दिया, वो तो भगवान कृष्ण भी खाते। मैं पूछा वो कैसे? आपको मालूम है जगन्नाथपुरी के मंदिर में कृष्ण भगवान को प्रसाद मिट्टी की हांडी में ही चढ़ाया गया। तो सुंदरम ग्रुप की जो मालकिन है वो मुझे कह रही है कि जो कृष्ण भगवान मिट्टी की हांडी में खा सकते हैं तो हम तो उनके भक्त हैं ना, हमको क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कहा आप तो 40,000 करोड़ का बिजनेस चलाती है, आपके पास टाइम इतना कहाँ है कि जितनी देर खाना बनाए। तो उनका जो उत्तर था वो गजब। उन्होंने कहा कि ये 40,000 करोड़ या 4 लाख करोड़ किसी भी काम के नहीं है जिस दिन शरीर बेकार हो जाए। इतना इंटेलिजेंट उत्तर आपको सुनने को कम मिले। उन्होंने कहा ये 40,000 करोड़ या 4 लाख करोड़ किसी काम का नहीं, जब शरीर काम ना करे तो ये पैसा है किसके लिए? हम शरीर स्वस्थ रखें इसके लिए तो सारा हम सरंजाम जुटा रहे हैं, और स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है मिट्टी की हांडी की दाल चावल वगैरह वगैरह खाते रहो। तो करोड़पतियों के घर में अगर ये हो सकता है तो आपके घर में भी हो सकता है। करीब दिल्ली के बहुत सारे कुम्हार आपका इंतजार कर रहे हैं, कब आप उनको ऑर्डर करें और कब वो अपनी हांडियां बेचने के लिए आपकी मदद लें। और अगर आपने सच में इनका उद्धार कर दिया तो इनकी जो दुआएं मिलेंगी आपको वो आपके जिंदगी के हर काम को पूरा करें।